कमरिया से जुड़ी आज मेरे पास काफी सारी अपडेट्स दोस्तों। सबसे पहले समय रैना के बारे में बात करते हैं। तो समय रैना के इंडिया स्कॉट लेटेंट शो में अजय देवगन जो गेस्ट आने वाले हैं, तो कल अजय देवगन के साथ इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट करते हैं जिससे कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ उनके साथ आने वाला है समय रैना का। सबसे पहले इंस्टाग्राम में एक फोटो डालते उनके साथ जिसमें उसका कैप्शन था हैड अ लवली टाइम विद द लेजेंड अजय देवगन टुडे। उसका एक स्टोरी भी डालते हुए जिसमें कि उसमें लिखा हुआ था थैंक यू सुमित सौरव ऑफिशियल फॉर टुडे, लुक आउट फॉर सुमित सौरव ऑफिशियल चैनल समथिंग इज कुकिंग। तो कुछ दिनों पहले समय रैना उनके लाइव में ये बोले थे कि कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी आने वाला है इंडिया स्कॉट लेटेंट में, तो हो सकता है अजय देवगन ही उसका समय रैना का पूनम पांडे का किसिंग सीन के बाद एक और किसिंग सीन वाला क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें कि वो रिएक्ट भी किए। तो पहले वो क्लिप देखो आप, उसका क्या रिएक्ट किए वो देखेंगे। ये है हमारे समय भाई और ये है हमारा गुगु भाई, लेकिन क्या हो अगर मैं इस जनरेट बटन पे क्लिक कर दूं? तो इसे जनरेट करने के लिए तुम्हें YouTube से इस फ्रेम का स्क्रीनशॉट लेना है और helio.io पर आकर इसे डिस्क्राइब कर दो कि क्या करवाना है। बस वीडियो रेडी हो गई। इस वीडियो में समय रैना कमेंट करके लिखा था ये सब टेक्नोलॉजी ट्राई करने के लिए मैं ही क्यों मिलता हूँ भाई। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं जो हर्ष गुजराल के बारे में है। तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि हर्ष गुजराल का एक शो आने वाला है जो कि इंडियाज गॉट टैलेंट की तरह ही होगा जिसमें काफी कॉमेडियंस एक साथ जज बने हुए रहेंगे और ये साथ किसी चीज पर जजिंग करेंगे। तो उसी बारे में जानकारी देते हुए इंस्टाग्राम में स्टोरी डालकर हर्ष गुजराल लिखे थे नए शो की मेहनत जारी है, जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। इसके अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। मुनार फारूकी का भी काफी दिनों से कुछ भी नहीं आया है इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर, शायद से वो किसी शूट पे बिजी हुए हैं। उनके फैंस के लिए खुशखबरी है, उनका यूट्यूब में एक इंटरव्यू आने वाला है जेनिस सेक्यूरा के साथ। जेनिस मुनार के साथ इंटरव्यू शूट कर चुके हैं जिसके बारे में इंस्टाग्राम में स्टोरी डालकर लिखे थे एडिटिंग द मोस्ट अवेटेड एपिसोड, हाय मुनार फारूकी एंड पत्रलेखा कमिंग सून। अब अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। आकाश गुप्ता जो है काफी गुस्सा है बॉर्डर ग्रासकोस्ट ट्रॉफी से। गुस्सा क्यों है जबकि पहला मैच तो इंडिया जीत गई जिसके बारे में इंस्टाग्राम में स्टोरी डालकर बतलाए थे, तो क्या बोले वो देखो आप। यार ये रोज सुबह उठने की आदत हो गई थी क्योंकि उठ के इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना होता था, 7:30-8 बजे शुरू हो जाता था। एक तो वो मैच एक दिन पहले खत्म हो गया, मतलब हम जीत गए अच्छी बात है, बट अब ना समझ नहीं आ रहा कि पूरा दिन कैसे टाइम निकालूं। हाइलाइट्स देख लेता हूं कुछ, मतलब अगला मैच जल्दी कराओ, ये एडिलेड वाला मैच इतना लेट क्यों है, मुझसे नहीं रुका जा रहा है, मुझे अभी देखना है जल्दी से। आज के लिए इतना ही दोस्तों, लगातार ऐसे कॉमेडियन से जुड़ी अपडेट पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलना।